किचन आज हम बनाएंगे पनीर बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, पनीर को हम क्यूब्स में कट कर लेंगे, 2 स्लाइस अनियन, 1 चॉप टमाटो, 1/2 कप काजू, 4 टेबलस्पून कर्ड, 2 चॉप ग्रीन चिली, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, खड़े मसाले, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 कप राइस। राइस को हम अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद 1/2 आवर के लिए सोक कर लेंगे पानी में। सॉल्ट टू टेस्ट, घी फॉर कुकिंग। सबसे पहले हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसमें पनीर के पीसेस डालेंगे। अगर आपको पनीर को डीप फ्राई करना है तो आप उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पनीर को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेंगे। पनीर की साइड हमने चेंज कर लिया है, अब देख सकते हो ये एक साइड से फ्राई हो गया है। हम दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे। पनीर को दोनों साइड से हमने फ्राई कर लिया, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब हम बिरयानी बनाएंगे। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें घी डाल लेंगे, उसको गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, सौंफ, जीरा, इसको फ्यू सेकंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे। अब इसमें हम अनियन डालेंगे, अनियन को भी हम मिक्स कर लेंगे और सॉटे कर लेंगे। अनियन सॉटे हो गया है, अब इसमें हम टमाटोज डालेंगे, ग्रीन चिली, इसको मिक्स कर लेंगे और सॉटे कर लेंगे। टमाटो सॉटे हो गया है, अब इसमें हम काजू डालेंगे, अब इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम दही डालेंगे, अभी मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, नहीं तो दही फट जाएगी। सॉल्ट हम बाद में डालेंगे। दही डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। जब आप दही को डालें तो गैस को सिम कर लें, नहीं तो दही फट जाएगी। अब इसमें हम पनीर डालेंगे जो हमने फ्राई किया है। हमने इसमें पनीर डाल लिया है, अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट डाल लेंगे, अब इसमें हम सॉल्ट डाल लेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम राइस डालेंगे, अब इसमें हम राइस डालेंगे। हमने 2 कप राइस लिए हैं तो इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। अब इसमें हम पानी डाल लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक विसल लगा लेंगे लो फ्लेम पे। राइस में हम ज्यादा विसल नहीं लगाएंगे, एक ही विसल लगवाएंगे। इसमें एक विसल आ गई है और इसका प्रेशर भी निकल गया है, इसको हम खोल लेंगे। अब देख सकते हो ये कितनी अच्छी बिरयानी बनी है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पनीर बिरयानी रेडी हो गई है, अब इसको हम सर्व करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी पनीर बिरयानी। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।